से कि भाई मुख्यमंत्री जी के सामने जहां शुचिता की बात आती है तो शुचिता जो देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, चाहे नफा हो नुकसान हो, हमको हम लगातार उनकी इज्जत करते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं। चाचा से भी हमने संबोधन किया है, लेकिन प्रोटोकॉल को मानते हुए सदन में कोई चाचा भतीजा नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है सवाल को पूछें। लेकिन चुनाव के दौरान कुछ लोग आपा खो रहे थे, अपना भड़ास निकाल रहे थे, बच्चे गिन रहे थे। मेरे अगर सवाल को लेकर के उन्हीं का कोट करते हुए हमने बोला था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, वीडियो क्लिप भी है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रह गए। तो हमने भी ये जवाब दिया कि ये मर्यादा और एक जहां तक बात की जाए तो ये शोभा नहीं देता किसी मुख्यमंत्री को और सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री को कि आप बच्चे के बारे में या मेरे परिवार की बहनों को आप राजनीति में परामर्श में आप घसीट के लेकर के आए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। लेकिन हमने तो चुनाव के दौरान नहीं कहा, हमने तो उन्हीं की बात को कहा या उनको याद भी दिलाया कि ऐसी बात अगर लालू जी में होती तो हम दो भाई हैं, मेरे बाद भी एक छोटी बहन है जो आखिरी में है, वो बेटी है, मेरी बहन है। तो हमने तो उन्हीं की बात को याद दिलाया। अगर मेरे बात को प्रोसीडिंग से हटाया गया, प्रस्ताव दिया गया, तो यानी मुख्यमंत्री की हार हुई है। इससे मुख्यमंत्री क्या कि ये उनका है या नहीं, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, इस्तेमाल किया आपने, आप रिकॉर्ड में निकाल के देखिए। हमने तो यही कहा था उस समय भी, उनके तो एक पुत्र हैं और है कि नहीं ये वो अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, वो तो वही बता पाएंगे, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें की किस बात की है? आपके कितने पुत्र हैं नहीं है वो हम कैसे जानते हैं, वो तो आप ही बता पाओगे ना। इसमें आपको हमको तो नहीं पता कि भैया यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसका क्या है, वो तो आप ही लोग बेहतर जानते हैं कि आपके परिवार में कितने भाई हैं बहन। हालांकि मुख्यमंत्री का परिवार भी 5-6 भाई बहन है, सिब्लिंग्स हैं। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि उनके एक बेटे, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं आप कि उनके और भी बच्चे हो सकते हैं। वो आपका कल्पना हो सकता है, नहीं आप कह रहे वो आपका सोच हो सकता है, हम उस सोच के नहीं है। यही तो मुख्यमंत्री को हमको बताना था और मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा। मुख्यमंत्री का क्या कहना था जब उस बच्चों बहनों के बारे में मेरे बोल रहे थे, तो क्या उनसे सवाल पूछा आपने? मेरे को तो नहीं लगता है पूछा होगा। खैर जो भी हो, सबको अपना अधिकार है, आपका अपना अधिकार है। लेकिन तेजस्वी जी उन्होंने नाम ले लिया था लालू जी का, उन्होंने कहा था तो वही बात हो रही है ना कि वो लोग ऐसा करते हैं, तो आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? वो बिहार की जनता बेवकूफ है क्या? हमको तो कुछ नहीं कहना, टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा, उन्होंने सदन में कहा है कि आरोप लगाए गए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, जहां तक बात आती है, मुख्यमंत्री अभी गुस्से में बबूला थे क्योंकि बहुत लोगों को सच पता नहीं थी। हमने तो यही कहा, 91 में केस था, केस हुआ, 2008-09 में फैसला आना था लेकिन टल गया, और 2019-20 में ये फैसला कैसे केस खत्म हो गया ये सब जानते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? आप बताइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या मुख्यमंत्री रहते हुए में क्या एसपी उनके खिलाफ काम करेगा? कोर्ट में तो वही मान्य होगा ना जो जांच एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी। आप मुख्यमंत्री हो, आप इस्तीफा दे देते फिर जांच कराते तब मानते? आपने तो उस समय इस्तीफा की पेशकश नहीं की, लेकिन जब हम उप मुख्यमंत्री थे, जब आरोप लग रहे थे, तब क्या क्या कहा जा रहा था, क्या क्या नहीं कहा जा रहा था? तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रह करके ही अपना जांच करवा रहे थे, अपने ही हिसाब से रिपोर्ट तय कर रहे थे। आईएएस अधिकारी ने लिखा ना, अपना तो करेंगे ही ना करेंगे जांच रिपोर्ट प्रभावित, जब दूसरों का कर लेते हैं बालिका गृह में, सृजन घोटाला में, आईएएस अधिकारी लिख करके दे रहा है तो वो अपना केस का नहीं करेंगे मैनिपुलेट? इस्तीफा दे दें, अभी भी जांच की बात कही है, हम तो चैलेंज करते हैं, अगर आपने गलती नहीं की है तो आप इस्तीफा करें मुख्यमंत्री पद से और जांच कराए सीबीआई से। क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या वो जांच की सिफारिश करेंगे? लालू जी ने तो चारा घोटाले की सिफारिश की थी,